हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच का असेंशियल फ्रेज विच इज़ इल या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंच एक्सप्रेशन इल या का मतलब होता है देयर इज़ और देयर आर। इसके अंदर हमारा आता है, सबसे पहले होता है इल। ये जो इल है हमारा, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि ही होता है, इसमें इसका मतलब है सब्जेक्ट है ये इट, ई वाई। ये है हमारा प्रोनाउन विच मीन्स देयर, एंड आ ये हमारी प्रेजेंट टेंस फॉर्म है अवार वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर में। कॉन्जुकेट जो हम इल के साथ एल के साथ करते हैं ना, वही हमने कॉन्जुकेट किया, तो यहाँ पे आया आ, अवार वर्ब का कॉन्जुकेशन है विच मीन्स टू हैव। अब इसका मीनिंग बन गया हमारा देयर इज, देयर आर, या फिर अगो के लिए भी हम इलिया का यूज़ करते हैं। इलिया में अगर हम नाउन से पहले हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल आता है, जैसे इल या यून बॉन्ग, देयर इज अ बैंक, तो इलिया के बाद हमारा आएगा इनडेफिनेट आर्टिकल, उसके बाद आता है हमारा नाउन। नाउन नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें कोई नंबर ऐड करना हो इस फ्रेज में, जैसे कि नंबर हमारा होता है काउंटिंग 1 2 3, जिसे हम फ्रेंच में बोलते हैं अ द थ्रो आ कैथ्रो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा आता है इल या, उसके बाद हम लिखते हैं नंबर, देन हमारा आता है नाउन। एग्जाम्पल है इल या थ्रुआ जैतुदियोन, देयर आर 3 स्टूडेंट्स। अब अगर हमें इसको चेंज करना हो, इसका टेंस चेंज करना हो, पास्ट में करना हो, तो कैसे करेंगे हम? जैसे कि हमारा ये है इल या ऑन, इसका मतलब होता है देयर हैव बीन। इसका एक एग्जाम्पल है इल या ओ द नॉम्ब्रूज मैनिफेस्टेशन नॉन डर्नियर, मीन्स देयर हैव बीन मैनी डेमोन्स्ट्रेशन लास्ट ईयर। यानी कि इसी इलिया फ्रेज में ही अगर हमें टेंस फॉर्म में इसे चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? अगर हमें इसको पास्ट टेंस में लिखना हो, देयर वर या देयर वाज, तो उसके लिए हमारा फ्रेज हो जाएगा इल या आवे। अब इसके लिए हमारा एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस है इल या आवे बोकू द जैतुदियोन दोन ला क्लास, देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आप इसमें देखा आपने कि इलिया के साथ अगर आपको कोई नंबर ऐड करना हो, इनडेफिनेट आर्टिकल ऐड करना हो, या इलिया में ही आपको देयर वाज देयर वर उसका पास्ट टेंस में करना हो, तो हम कैसे करेंगे? नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें इलिया का नेगेटिव में करना है, मीन्स देयर इजेंट या देयर आरंट, तो कैसे करेंगे? इल नी आ पा दे प्रॉब्लम, मीन्स देयर आर नो प्रॉब्लम। इसके अंदर आपने देखा वाई से पहले हमारा एन एपोस्ट्रॉफी आया और आ यानी कि अवर वर्ब के बाद हमारा पा आया। आपको पता होगा जब भी हम फ्रेंच में नेगेटिव फ्रेम करते हैं सेंटेंस, उसके अंदर हमारे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं न प्लस पा। तो इन दो वर्ड से ही हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंच में। तो जैसे कि आपने देखा वाई से पहले नो एपोस्ट्रॉफी और वर्ब थी हमारी अवार, उसके बाद आ के बाद हमारा पा आया। नेक्स्ट है हमारा इल नी आ पा दे सॉल्यूशन, मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर आपको ना पता हो कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे फ्रेंच में, तो इस पर एक वीडियो भी बनाई है, वो जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट है हमारा इल या को हम इस फ्रेज को एगो के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ज लुई आ पार इल या द सीमेन, मीन्स आई टॉक टू हिम 2 weeks अगो। इलिया का हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई चीज़ कहना हो 2 weeks अगो, 3 months अगो, इस तरह से अगर हमें बोलना हो एगो की फॉर्म में, तो उसके लिए भी हम उस टाइम फ्रेज से पहले, यानी इसमें था द सेमेन यानी कि वीक्स 2 weeks, तो उससे पहले भी हमने इलिया लगा दिया, तो हमारा बन गया 2 weeks अगो। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई क्वेश्चन हो हमारा इलिया के साथ, तो हम कैसे फ्रेम करेंगे? इल या यून बॉन्ग, हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसको, तो हमारा इसका क्वेश्चन में आएगा कि इज देयर अ बैंक, आंसर वुड बी वी, मीन्स येस इल या यून बॉन्ग देयर इज अ बैंक सेल अ बॉन्ग ओरिएंटल, मीन्स इट्स द बैंक ओरिएंटल। इलिया से हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि हमने क्वेश्चन पूछने के लिए भी इलिया का यूज़ किया। इलिया से आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इज देयर, आर देयर, व्हाट इज देयर या व्हाट आर देयर। नाउ नेक्स्ट है वॉयसी, जिसका मतलब होता है हेयर इज हेयर आर वाला, देयर इज देयर आर, इसका मतलब भी देयर इज देयर आर है, बट इलिया जो है वो पूरा हमारा एक फ्रेज है, एक्सप्रेशन है फ्रेंच में, जिसको हम पास्ट में हमने चेंज किया या फिर उसके अंदर हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी बना, लेकिन वाला एक हमारा वर्ड है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें आंसर करना हो येस और नो में तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले है वू जावे आ स्टीलो, यू हैव अ पेन। अगर हमें येस बोलना हो, येस आई हैव अ पेन, तो हम कैसे बोलेंगे? येस के लिए हम फ्रेंच में यूज़ करते हैं वी ओ यू आई जे अ स्टीलो, आई हैव अ पेन। अगर नेगेटिव में बोलना हो नो, एन ओ एन का यूज़ करते हैं हम फ्रेंच में नेगेटिव के लिए, नो के लिए, नो जने पा द स्टीलो, आई डोंट हैव पेन। अब इसके अंदर देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते समय न और हम पा का यूज़ करेंगे। और आपने एक चीज़ और देखेंगे आ, इनडेफिनेट आर्टिकल का अ का द हो गया, ये क्यों हुआ? नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं या नेगेटिव फ्रेज सेंटेंस को फ्रेम करते समय आप कैसे इनडेफिनेट आर्टिकल को चेंज करना होता है, इस पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसे जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट है आपका त्यू आ दे जामी, यस वी जे तेज आमी, आई हैव फ्रेंड्स, नो आई डोंट हैव फ्रेंड्स, चने पाते आमी। नेक्स्ट है अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है त्यू आ यून आमी एंडियन, यू हैव अ फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड। नेशनैलिटी जो होती है वो फ्रेंच में ऑलवेज आफ्टर नाउन आती है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडियन फ्रेंड, लेकिन फ्रेंच में हम फ्रेंड पहले लिखते हैं और नेशनैलिटी बाद में लिखते हैं। अब आप कमेंट करके इसका वी से, येस से और नो से आंसर बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम असेंशियल फ्रेसेस इन फ्रेंच, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा प्लीज, प्लीज़ को हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? सिल वू प्ले फॉर्मल है, सिल ते प्ले ये हमारा इनफॉर्मल है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्यूज मी, फॉर्मल के लिए हम बोलते हैं एक्सक्यूजे मुआ, एक्सक्यूज मी इनफॉर्मल के लिए हम बोलते हैं एक्सक्यूज मुआ। नाउ नेक्स्ट है हमारा थैंक यू वेरी मच, उसको हम फ्रेंच में बोलेंगे मेसी बोकू, वेलकम को बोलेंगे जो वू ऑन प्री, मेंशन नॉट को बोलेंगे दरिया, सॉरी पार्दों, आई डोंट अंडरस्टैंड छ न कॉम्प्रोपा, वट डज दैट मीन क व दी सा, I don't know, जन से पा, means to say, सेता दी, how to write it, कोमो सा सेक्री, what's up, what's new, क्वा द नफ।